वेदास जी ठाकुर जी की भक्ति करते, ब्राह्मणों ने आंख दिखाई कि तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारा आचरण वेद विरुद्ध है। तब रैदास जी ने कहा, वेद तो भगवान के ही मुख का है, कहा हुआ, हम भगवान की सेवा करना चाहते, क्या बुरा करना चाहते। पर ब्राह्मणों ने इतनी विचित्र परीक्षा ली, एक काम करो, सालेग्राम जी को बीच में रख दो ठाकुर जी को, एक तरफ ब्राह्मण बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए, और कहा कि एक काम करते हैं, ठाकुर जी चलकर जिसकी गोद में बैठ जाएंगे उसी को ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार है। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। अब कैसे छूटे, रैदास जी बैठ गए, बीच में ठाकुर जी रख दिए, दूसरी तरफ ब्राह्मण बैठ गए, ब्राह्मण आंख दिखावे, पूजा बंद करो ठाकुर जी की। रैदास जी कहे, हम कैसे छोड़ देवे। आहा, तो रैदास जी ने कहा, ठाकुर जी किसकी गोद में आएंगे, मंत्र पढ़ो। ब्राह्मणों ने इतने वेद के मंत्र पढ़े, इतने वेद मंत्र पढ़े, भगवान सिंहासन से नहीं उठे। अब रैदास की बारी आई, तुम बुलाओ भगवान को, तो रैदास ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। रैदास बाबा गाने लगे, अब कैसे छूटे नाम रट रागी। रैदास जी गा रहे, नाम रट रागी, अब कैसे छूटे छूटने वाली नहीं है। रैदास बोले, भगवान तुम चंदन हम पानी, क्या चंदन पानी से अलग हो सकता है। प्रभु जी तुम धन बने हम बोरा, जा
रघुराज सिंह जी, उन्होंने कहा ब्राह्मणों, तुम्हारे बुलाने पर भगवान नहीं आए। हमने सुना है कि रघुराज सिंह ने सालिग्राम जी को गंगा जी में फेंक दिया। ब्राह्मणों फिर बुलाओ। ब्राह्मणों ने फिर बुलाया, भगवान नहीं आए। रैदास जी से कहा तुम बुलाओ, तो रैदास जी ने वही पद गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। रोने लगे, आंखों में आंसू भराए, और देखते ही देखते गंगा जी से सालग्राम भगवान प्रकट होकर के रैदास जी की गोद में आ गए। आनंद हो गया, सब जय जयकार करने लगे। रैदास जी की भक्ति जड़ हो गई भगवान के प्रति। खूब रैदास जी भगवान की भक्ति करने लगे, संतों की सेवा करने लगे। भैया, रैदास जी की भक्ति बड़ी अद्भुत हुई। बुरा ना माने तो हम एक करोड़ों की बात बोलें, भगवान ना तो जाति देखते हैं, भगवान ना पाति देखते हैं, भगवान ना अमीरता देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं। हमारे प्रभु तो सिर्फ भाव देखते हैं। आज की कथा से ये संकल्प लेकर जाओ, किसी भी जाति से हो, भगवान का भक्त है तो भगवान को बड़ा प्यारा है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो ना तलवार, ना तो पड़ी रहने। साधु की कोई जाति नहीं। और आज की कथा जहां से शुरू हुई थी, हम वहीं से विराम करेंगे। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। या तो भगवान नाम में निष्ठा रखो या संतों में। रैदास जी आज भी सबके बीच में जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संतों का संग किया। तुम भी अगर हमेशा रहना चाहते हो, कौन कौन हमेशा अपना नाम संसार में चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले।